नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ दोस्ती की, यारी की। एक ऐसा अनोखा रिश्ता जो हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आता ही है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कॉलेज की यारी, कॉलेज की दोस्ती। मेरी पोएट्री का टाइटल है तेरी मेरी यारी। लिखा तो बहुत कुछ मैंने दोस्त तेरे दोस्ताने में, लेकिन ये तेरी मेरी यारी कहाँ पूरी हो सकती है सिर्फ अल्फाज में। गहराइयां कभी शब्दों में बयां होती ही नहीं। लिखता हूं मैं आज कुछ तेरी यादों में, तेरे अफसानों में, तेरी दोस्ती के साये में। कुछ ही वक्त तो गुजारा है अभी तेरे साथ, कुछ लम्हों का गुजार बाकी है अभी तेरे साथ। यूं तो मैंने ये जो लाइन्स हैं अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, सभी दोस्तों के लिए लिखी है, लेकिन फिर भी एक दोस्त है जिसके लिए स्पेशली लिखी है। आज भी याद है, आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी वो मुलाकात, ए दोस्ती, तारीख 1 अगस्त। अभी कुछ लम्हे ही तो चले हैं हम साथ, चर्चा में है अपनी दोस्ती, और अभी बाकी है ये सफर दोस्ती तेरे साथ। देखते हैं कितने हंसी रंग में ढलेगी ये दोस्ती। मैं अभी आगे कुछ कहने से पहले फेमस शायरी उधार लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसी को सुना होगा, आप सबने इसको सुना ही होगा। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है ऐ मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बरात एक ही समान है। ऐ मेरे दोस्त मुझे तेरी खुशी चाहिए, बेपना और बेहद चाहिए। ऐ दोस्त दोस्ती ये तेरी है खुशनुमा हिस्सा जिंदगी का मेरी। दोस्तों कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिखरा सा रहने लगा था। उस वक्त मेरी इस दोस्त से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के दौरान जो कुछ ऑब्जर्व किया उसी के ऊपर मैंने ये लाइंस लिखी हैं। तेरी दोस्ती एक प्रेरणा है मेरी, तेरी दोस्ती एक इंस्पिरेशन है मेरी। ऐ दोस्त असली मजा तो आएगा जब, असली मजा तो आएगा जब जब हिट होगी अपनी यारी लाइक क्रिकेट वॉटसन की दुनियादारी। खत्म ना होगी मेरी ये बात, खत्म ना होगी मेरी ये बात, क्योंकि नहीं है कम तेरी दोस्ती में मेरे जज्बात। जज्बात कहाँ कम होते हैं दोस्तों, इसलिए रुकती नहीं है कलम यहाँ, क्योंकि कुछ और दफन है जज्बात यहाँ और वहाँ। यहाँ और वहाँ से मेरा मतलब है दोस्तों ब्रेन एंड हार्ट, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। दोस्त बेशक कमीने होते हैं, उनकी अहमियत क्या है इसका पता चलता है जब होते हैं हम अपने बिजी फेज में। तब ये तो सभी जानते होने के बाद उम्मीद पता चलता है कि इंसान की अहमियत क्या है। दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, मेरी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी दोस्तों के लिए मैं ये लाइन डेडिकेट करता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। ठहर जाऊंगा तेरे जहन में इस कदर, ठहर जाऊंगा तेरे जहन में इस कदर कि जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मैं नहीं, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मैं नहीं। ऐ दोस्त दोस्ती ये तेरी मुझे सारे जहां से प्यारी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ मतलब की दुनियादारी है। ऐ मेरे दोस्त नदीम, ऐ मेरे दोस्त नदीम, आएगा कॉलेज का एक आखिरी दिन और फिर दिन गुजरेंगे एक दूसरे के बिन। ले जाना इन यादों को तुम दिल में बसा के, रहना मेरे बिन खुशियां सजा के। मुझे याद रहेगी तेरी हर बात वो मॉलिक्यूलर हैप्पीनेस में। बाबू और डॉक्टर साहब, मॉलिक्यूलर हैप्पीनेस एक छोटा सा ग्रुप था। फिर जब भी बात होगी दोस्ती की, जिंदगी में मेरी या तेरी, फिर क्या आएगी क्या दोस्ती की हमारी। कर दे एक वादा ऐ मेरे दोस्त, कर दे एक वादा ऐ मेरे दोस्त, जब कुछ अरसों के बाद आएगी याद मेरी, आंखें नम ना होगी तेरी, आंखें नम ना होगी तेरी, क्योंकि तेरे होठों पर मुस्कान होगी एक मेरी, क्योंकि तेरे होठों पर एक मुस्कान होगी एक मेरी। जिंदगी की सफलता के बाद करूंगा तुझे इतना याद, जिंदगी की एक सफलता के बाद करूंगा तुझे इतना याद। ले जाऊंगा हिल स्टेशन कर दूंगा एक सेलिब्रेशन, ले जाऊंगा हिल स्टेशन कर दूंगा एक सेलिब्रेशन। ना कोई सिकवा होगा और ना ही कोई शिकायत होगी, उस वक्त बारिश मोहब्बत हमारी दोस्ती भी होगी। मेरी कलम को प्यार है, मेरी कलम को प्यार है मेरे जहन से निकली हुई अल्फाजों से। जो लिखूं मैं कुछ किसी अपने के लिए तो मिल जाती है ये मेरे जज्बातों से, जो लिखूं मैं कुछ किसी अपने के लिए तो मिल जाती है ये मेरे जज्बातों से। मैं यहाँ अपनी कलम की तारीफ करता हूँ और
एहसान मंद हूँ उसका कि उतना अच्छा लिख देती है। अभी तो चलता हूँ मैं यहाँ से, अभी तो चलता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन फिर भी लगता है कि है ये अभी अधूरा, फिर कभी बैठ के लिखूंगा इसे पूरा। दोस्ती की बातें कहाँ पूरी होती हैं आसानी से। दोस्ती क्या होती है और दोस्त क्या होते हैं, जब वो नहीं होते तब मालूम होते हैं। जब इंसान जिंदगी में कुछ खो देता है और वही प्यारी सी चीज उसे फिर से मिल जाए तो फिर उसे वो खोना नहीं चाहता। यहाँ बात होती है एक स्कूल की यारी और एक कॉलेज की यारी। कुछ लोग स्कूल के दोस्त इतने अच्छे होते हैं कि जिंदगी होते हैं और वो बिछड़ भी जाते हैं। फिर अगर कॉलेज में कोई अच्छा इंसान मिले और उससे दोस्ती हो जाए तो मैं कहूँगा संभाल के रखो दोस्त, दोस्ती है। बाकी बल्कि उसे प्यार से रखना चाहता है। जब इंसान जिंदगी में कुछ खो देता है और वही प्यारी चीज उसे फिर से मिल जाए तो फिर वो उसे खोना नहीं चाहता बल्कि उसे प्यार से रखना चाहता है। मुझ पर दोस्तों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद यूं ही रहने दो, बड़ा हंसी है ये कर्ज मुझे कर्जदार रहने दो। जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को वार्मली कॉर्डियली इफेक्ट के साथ डेडिकेट करता हूँ। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। अगर मिलती मुझे एक दिन की बात साही, अगर मिलती मुझे एक दिन की बात साही तो है दोस्तों मेरी रियासत में तुम्हारी तस्वीर के तिक्के चलते। मैं जाते जाते कुछ कह जाता हूँ, छोड़े यार अब रह जाता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा अनोखा होता है, कोई पराया होकर भी अपना होता है, कोई पराया होकर भी अपना होता है। थैंक्स अ लॉट ऑल माय डियर्स, ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय कमेंटर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी टिल नाउ। आई विल कम बैक सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। आई वांट टू से आपको इस वीडियो में जो भी लाइंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो प्लीज उसे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो में इस तरह के लाइंस ज्यादा से ज्यादा ऐड करूं और आपके लिए वीडियो और अच्छी और इफेक्टिव बनाऊं। और अगर आपकी खुद की कोई कहानी हो और आप चाहते हैं वो पोइट्री में तब्दील हो और मेरे चैनल पर आए तो प्लीज आप अपनी कहानी भी ईमेल के जरिए मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे ऐसा पोइट्री में कन्वर्ट करके अपनी आवाज में अपने चैनल पर जरूर पोस्ट करूंगा और आपके नाम को क्रेडिट भी दूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन।